हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ घर पे सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बेटा, आज की जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 49, कक्षा हमारी 9th है। यहाँ हम विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, यहाँ शिक्षक का नाम हम लिखेंगे। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, भूगोल पार्ट 2, भारत का भौतिक स्वरूप। डेट हमारी है 3rd of November। आज की जो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है, भारतीय थार मरुस्थल। हमारी आज की वर्कशीट में थार मरुस्थल के बारे में बताया गया है। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। देखो, थार मरुस्थल जो है राजस्थान में पड़ता है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, और गर्म स्थान है, रेतीला स्थान है। यहाँ की जो वायु है कैसी है, शुष्क जलवायु है, और नाम मात्र की ही प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, और इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास ब्रह्मास्त्र से मिले समुद्री अवसादों और ओकल वुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से होती है। वुड फॉसिल्स की आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आंकी गई है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों, मतलब यहाँ की जो गर्म परिस्थितियाँ हैं और वायु की क्रियाओं में भौतिक अपरदन, मिट्टी का कटाव होता ना ज़्यादा, भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएँ प्रायद्वीपीय पठार से थोड़ी अलग हैं। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, जुगेन आदि प्रमुख मरुस्थली भू आकृतियाँ हैं। बरकान अंध्र चंद्रकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग, जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनद उद्गम से अभाव में वर्षावाही होती हैं। वर्षावाही का मीन्स है कि मतलब जब वर्षा होती है तभी मौसमी नदियां, हम जिन्हें बोलते हैं, वर्षावाही होती हैं। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में जल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ की नदियाँ कैसी हैं? मौसमी हैं, मतलब हमेशा नहीं बहती, पूरा साल नहीं बहती लगातार। जब जिस मौसम में वर्षा होती है बस उसी मौसम में इनकी नदियों में जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुंच पाती। प्लाया क्या होता है? देखो, प्लाया मरुस्थली भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं, नमक की झीलें, ठीक है, जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी जो थार मरुस्थल है पड़ता है, जहाँ पर राजस्थान के पश्चिम में, वहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियाँ इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। देखो, ये था थार मरुस्थल के बारे में, नदियाँ कैसी हैं, जलवायु कैसी है थार मरुस्थल की, प्लाया क्या होता है, ठीक है, थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, जैसे थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है, राजस्थान में है, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, 6 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, इनके आंसर मैं आपको रिटर्न में देती हूँ। क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों हैं, मौसमी क्यों हैं? थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों हैं होने के कारण है, वर्षा कम होने के कारण, अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण, पर्वतीय हिम नदी के अभाव के कारण। वर्षा कम होती है, देखो मरुस्थल में बोझ कम वर्षा होती है, अत्यधिक वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, रेतीली भूमि है, शुष्क जलवायु है, और पर्वतीय हिम नदी के अभाव के कारण जो थार मरुस्थल की अधिकांश नदियां हैं वो मौसमी ही होती हैं, मतलब बारिश के मौसम में ही बहती हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है, प्लाया से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने बताया था वर्कशीट कराते हुए, थार मरुस्थल में स्थित लवणीय झीलें जिनसे नमक निकाला जाता है उन्हें प्लाया कहते हैं। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई दो जलवायु की विशेषताएं बताएं। देखो, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है, जहाँ वर्षा कम होती है अर्थात जलवायु शुष्क है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर वर्षा कम होती है
और जलवायु शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान उच्च रहता है, वनस्पति का अभाव। जलवायु की तीन विशेषताएं हमने बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम लिखिए। भू आकृति आया था ये भी हमारे वर्कशीट में, मशरूम रॉक, बरकान, जुगेन, बालुका टीबी। ठीक है, फोर हमारी वर्कशीट से ये है, मशरूम रॉक, बरकान, जुगेन, बालुका टीबी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के पश्चिमी इलाके में। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखिए। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ये थे बच्चों जो आज के आपके सिक्स क्वेश्चन हैं जो आपकी आज की वर्कशीट में पूछे गए हैं। वर्कशीट को अगर आप एक बार अच्छे से ध्यान से रीड कर लोगे तो सारे आंसर आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो वर्कशीट को ध्यान से सुनना जो मैंने बताया है वर्कशीट के बारे में, और यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। सारे सिक्स के सिक्स क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, रिटर्न में इनके आंसर दिए हैं। ये थी बच्चों आज की आपकी वर्कशीट। अगर बेटा वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।